गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वाई डेमोक्रेसी, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी में जैसे आप पढ़ते आ रहे हैं, इसमें ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई द फॉलोइंग कंट्रीज़ कांट बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक एक्सप्लेन। निम्नलिखित देश लोकतांत्रिक क्यों न कहलवा सके। कारण दे कौन कौन से देश है जो लोकतांत्रिक नहीं है या कहलवा नहीं सके, जैसे सऊदी अरेबिया है, एस्टोनिया है, फिजी है। इनको तीनों के जो कारण दिए हुए, डेमोक्रेसी है हालांकि इन तीनों कंट्री में, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ अलग हैं। वो अलग क्या है? इन ए डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन मोर वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू, बट दिस प्रिंसिपल इज नॉट बीइंग फॉलोड इन सऊदी अरेबिया एंड एस्टोनिया। यानी लोकतंत्र में जैसे आप जानते हैं कि एक वोट की कीमत समान होती है, उसका समान महत्व होता है, परंतु सऊदी अरब और एस्टोनिया में इस सिद्धांत को नहीं अपनाया गया है। सेकंड नंबर पे इन सऊदी अरेबिया वुमेन डोंट हैव द राइट टू वोट, इन एस्टोनिया पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू गेट द राइट टू वोट। यानी सऊदी अरब में महिलाओं को किसी भी टाइप का मत देने का अधिकार नहीं है, और रूस में जो रशियन अल्पसंख्यक है उनको जो वोट देने का अधिकार सऊदी अरब में एस्टोनिया में मुश्किल से मिल पाता है, यानी उनको भी इतनी आसानी से नहीं मिल पाता। इसके बाद थर्ड पॉइंट है इसमें फिजी। इन फिजी द इलेक्टोरल सिस्टम इज सच दैट द वोट ऑफ द आइडियजनियस फिजियन हैज मोर वैल्यू देन दैट ऑफ एन इंडियन फिजी। यानी भारतीय फिजी के जो भारत के लोग रहते हैं फिजी में, उनके वोट का वैल्यू कम है। जो वहाँ फिजी रहते हैं उनके वोट का वैल्यू ज़्यादा है, और जो भारत के लोग वहाँ पे रहते हैं उनके वैल्यू कम है। इसको अच्छे तरीके करके याद करके लिखेंगे। धन्यवाद।